नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, इसका फोर्थ पार्ट में है माइनस वन अपॉन 216। तो माइनस वन अपॉन 216 तो 216 का जो हमने फैक्टराइजेशन किया तो 2 × 3 × 6 आया, 6 तीन बार आया। जैसे इसको जो है माइनस वन अपॉन 6 इंटू माइनस वन अपॉन 6 इंटू माइनस वन अपॉन 6 के इक्वल हो गया। तो 1/6 कितने बार है, तीन बार है, तो माइनस वन अपॉन 6 का पावर कितना हो गया, 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर है फाइंड द वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू निकालना है। तो 1/3 का पावर 3 है मल्टीप्लाई 3/2 के पावर 2। 1/3 को तीन बार मल्टीप्लाई किए हमने, 1/3 × 1/3 × 1/3। 3/2 दो बार है तो दो बार, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आपके पास 1 × 1 × 1 3 × 6 × 12 हो गया। इसका फिफ्थ पार्ट है माइनस 1/3 के पावर 5 डिवाइडेड बाई 2/3 के पावर 3। तो माइनस वन 3 को 5 बार के तो 243 डिवाइड 2 को 3 बार 8 हुआ 927। तो माइनस वन 243 डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल गया 20, इसका ये रेसिप्रोकल होगा। 27 × 9 = 243 − 1 × 9 = 72। क्वेश्चन नंबर इसका 5 है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। तो हम जानते हैं कि रेसिप्रोकल होता है नमरेटर डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर नमरेटर होता है। 16/125 का रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल ऑफ 16/125 = 125/16। इवॉल्वेट बी स्क्वायर माइनस 9 बी माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो बी का वैल्यू कितना दिया, 1.1 दिया। तो बी की जगह पर हमने क्या रखा, 1.1 का स्क्वायर माइनस 9, बी की जगह पर 1.1 माइनस 1। तो 1.1 को दो बार मल्टीप्लाई किया 1.1 तो 1.21 माइनस, फिर इसमें से इसको माइनस के 0.1, तो 1.21 ऐसी तरीके से 0.1 को दो बार मल्टीप्लाई के 0.01, इसमें मल्टीप्लाई के 0.01। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1.12। तो ये जो है आपका जो है 6 का इवॉल्यूएट है। तो स्टूडेंट जो है इसमें आज इतना ही, जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 बी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। एक्सरसाइज आपका होमवर्क में है, जो एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जो 1 to 6 सबको फिर कॉपी में कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।